नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीएल न्यूज में। दोस्तों, दिशा वकानी उर्फ दया बहन ने हमेशा के लिए तारक मेहता उल्टा चश्मा का शो को कहा अलविदा। इंटरव्यू में किया खुलासा, दया बहन के रूप में दिशा वकानी ने जेठा बने दिलीप जोशी को तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में टीवी की दुनिया अपनी अलग पहचान बना रखी है। यही अब तक के सबसे लंबा चलने वाली कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा कलाकारों की अपनी कॉमेडी कमिंग टाइमिंग में हमेशा फैंस खूब मनोरंजन किया करते हैं। शोक में यह किरदार निभाने की यूनिक अंदाज भी काफ़ी मशहूर है, लेकिन दया बहन का कैरेक्टर निभाने वाली एक्टर दिशा वकानी ने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। हालांकि 2017 में दया बहन तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो से गायब हैं। दरअसल दिशा वकानी ने अपनी प्रेगनेंसी के कारण शो को छोड़ दिया था, लेकिन अभी तक उन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में वापसी नहीं है। इसी बीच दिशा वकानी ने शो के वापसी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल कोई मोई एक बार इंटरव्यू में करीबी सोर्स के जरिए बता दें कि जानकारी के जरिए उनको दिशा वकानी की कमी वापस नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि मैटरनिटी लीव के में दिशा वकानी को शो से वापस लाने के लिए कई बार बातचीत हुई थी। निर्माता दिशा पर संपर्क में कुछ बातचीत चल रही हैं, जिन वजह से काम किया जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि बातचीत कामयाब नहीं हो पाई। दिशा वकानी छोड़ने का फैसला किया है। अगर मैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करके बताएं कि हमें वीडियो को कैसे लगी। अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर एक अपडेट हम देते रहेंगे।